हेलो दोस्तों, मोटोकॉप सिस्टम में आपका स्वागत है। ये आपका हम फोर्स ट्रैवलर वालों की टेम्पू ट्रैवलर फोर्स कंपनी की गाड़ी में जीपीएस इंस्टॉल करने आए हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि हम जीपीएस लगाने आए, अब हमें जीपीएस जो लगाया है यहाँ पर ड्राइवर सीट के नीचे वाले चाबी वाले पार्ट में लगाया है। ये यहाँ पर लगाया है, इसमें तीन वायर हैं जीपीएस में। बेसिकली ये हमारा जीपीएस ट्रैकर है, चार वायरों का, जिसमें तीन ही कनेक्शन होता है। ये एडिशनल रिले के लिए होता है, इसे हमने फ़िलहाल हटा दिया है। तो ये रेड वाली डायरेक्ट पावर है, ऑरेंज या ग्रीन होती तो फुल स्विच, और ब्लैक अर्थ। टेम्पो ट्रैवलर में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कपलर के पास चाबी से ठीक पीछे कपलर आ रहा है, उसमें जो ब्लैक वायर है इसके साथ हम डायरेक्ट पावर कनेक्ट कर रहे हैं। ये 24/7 पावर सप्लाई करेगी। ये है इग्निशन, जब भी इसे हम चालू करेंगे डैशबोर्ड पे हमारे पावर सप्लाई आएगी, तब इसमें भी पावर सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ये फुल स्विच या इग्निशन आप कह सकते हैं। तीसरा है अर्थ, जिसे हमने यहाँ कनेक्ट किया है इस तरह से, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है इसी स्क्रू पे। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। उसके बाद सीधा इसे हमने डिवाइस के साथ ये कनेक्ट किया, ये चीज़, और हमारा सर्किट पूरा। इसके बाद हम देखेंगे तो पीछे इसके लाइट शुरू आनी शुरू हो जाती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ पावर सप्लाई चालू हो गई। इतना ही टोटल कनेक्शन है। इसके बाद अच्छे से इसे क्लोज करके इस तरह से इसी डैशबोर्ड के नीचे इस तरह से हम यहीं पर इसकी प्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद ये कवर लगा देंगे, जिसके बाद ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, बाहर से नज़र नहीं आएगा। तो यही है, लगाना बड़ा आसान है, ईजी टू यूज़ है, एंड दैट्स इट फॉर टेम्पो ट्रैवलर। और कोई वायर कटिंग भी नहीं करी है इसमें? हाँ, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, जिससे गाड़ी की जो इलेक्ट्रिकल वारंटी है वो सेफ़ है। किसी तरह का कोई हैम्परिंग नहीं है, जैसे कंपनी ने दिया था वैसे ही सेफ़ है। सिर्फ हमने टैपिंग की है, तो इससे इलेक्ट्रिकल वारंटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इसका कनेक्शन कम्प्लीट हो जाता है। ओके सर, अगले वीडियो